जिधर नाराजगी तो वहां होती है ना, जहां कोई मनाने वाला होता है। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं। हबीब को महसूस होगा कि समीना शादी की तैयारियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही और वो घर वालों से भी अलग थलग नज़र आ रही है। वो समीना से बात करेगा और कहेगा कि तुमने एक ज़िद ही पकड़ ली है। समीना कहेगी कि ज़िद और अना वहाँ अच्छी लगती है जहाँ कोई मनाने वाला हो, और मुझे यहाँ पर किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है और ना मैं घर वालों से नाराज़ हूँ। उधर ज़हीर और उसकी बीवी जब शादी की शॉपिंग में मसरूफ़ होंगे और वो घर वापस आएंगे तो वहाँ दरवाज़े पे एक अजीब ही मंज़र नज़र आएगा। ज़हीर की दूसरी बीवी घर के दरवाज़े पर मौजूद एक तमाशा लगाए हुए होगी। वो हबीब से ज़हीर के बारे में सवाल कर रही होगी। जब ज़हीर ये मंज़र देखेगा तो हवास बाख्ता हो जाएगा और वो उसे कहेगा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहेगी मैं क्यों चली जाऊँ, मैं तुम्हारी बीवी।